मुश्किलों में घिरे समाजवादी पार्टी के विधायक रमाकांत यादव। जहरीली शराब कांड में बुरे फंसे सपा विधायक। आजमगढ़ में जहरीली शराब ने जो तांडव मचाया उसके सियासी पेच अब खुलने लगे हैं और सबसे ज्यादा मुश्किल में समाजवादी पार्टी के विधायक रमाकांत यादव घिर गए हैं। जहरीली शराब के मामले में पुलिस ने जांच में फूलपुर पवई से सपा विधायक रमाकांत यादव को भी आरोपी बनाया है। अब उनको रिमांड पर लेने के लिए पुलिस ने एमपी एमएलए कोर्ट में अर्जी लगाई है। तो पूरा मामला आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले शराब कांड क्या था वो समझिए। तो बात है विधानसभा चुनावों के दौरान की। यूपी में चौथे चरण की वोटिंग से पहले आजमगढ़ में जहरीली शराब का कहर टूटा। आजमगढ़ में जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि जहरीली शराब पीने से 12 से ज्यादा लोग बीमार हो गए थे। जहरीली शराब से लोगों की मौत के बाद लोगों में गुस्सा था और लोगों ने न्याय की मांग की। वह इस मामले में अब तक 13 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। शराब कांड के 6 आरोपियों पर एनएसए और गैंगस्टर भी लगाया जा चुका है। और अब इसी मामले में समाजवादी पार्टी के विधायक रमाकांत यादव का नाम भी सामने आया है। चार्जशीट लगी थी, इसकी विवेचना प्रचलित थी। विवेचना के दौरान अभियुक्त रमाकांत यादव का नाम इस विवेचना में प्रकाश में आया। पुलिस के द्वारा बहुत साइंटिफिक तरीके से विवेचना की गई और माननीय न्यायालय से इनके रिमांड की रिक्वेस्ट की गई है। माननीय न्यायालय के सामने प्रक्रिया अभी चल रही है और जैसे जैसे लोग इसमें शामिल होते रहे, जिनका पता चलता रहा, उनके खिलाफ पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाइयाँ की गई हैं। और अभियुक्त रमाकांत यादव का जब नाम इसमें प्रकाश में आया है, एविडेंस पुलिस के द्वारा साइंटिफिक तरीके से गैदर किया गया है और उसके बाद ही कोर्ट से प्रेयर की गई है कि इनका रिमांड इस मुकदमे में भी बनवाया जाए। कितने लोग जेल में हैं? इसमें कुल 13 लोग जेल में हैं जिनके खिलाफ चार्जशीट लग चुकी है और विवेचना भी हमारी प्रचलित है। अगर और भी लोग इसमें कोई शामिल रहे होंगे, उन बिंदुओं पर विवेचना की जा रही है, उनके ऊपर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने रमाकांत यादव के खिलाफ पुख्ता सबूत होने के दावे किए हैं, जिसके बाद अब पुलिस रमाकांत यादव से पूछताछ के लिए अब रिमांड लेने की तैयारी में जुटी है। 21 फरवरी 2022 को माहुल नगर पंचायत में बाहुबली विधायक रमाकांत यादव के भांजे रंगेश यादव के सरकारी देसी शराब के ठेके पर जहरीली शराब बेची गई थी, जिसे पीने के बाद कई लोगों की मौत हो गई। मामले की जांच में रमाकांत यादव को भी आरोपी बताया गया है और पुलिस के मुताबिक बाकी आरोपियों की तरह रमाकांत यादव पर भी एनएसए और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए पुलिस ने एमपी एमएलए कोर्ट में अर्जी लगा दी है। यानी अब समाजवादी पार्टी के विधायक की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई ही नजर आ रही हैं। शराब कांड और रमाकांत यादव जिस तरीके से घिर गए हैं, इस सभी को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आजमगढ़ से राजीव कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक।